HDM24 न्यूज़, मध्य प्रदेश की खबर का असर हुआ है। शिवपुरी में देवीलाल की मौत पर अब कलेक्टर ने कार्यवाही का आदेश दिया है। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल द्वारा देवीलाल की मौत की खबर प्राथमिकता से प्रसारित की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर शिवपुरी द्वारा 5 नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित एवं प्रभारी डॉक्टर सहित सिविल सर्जन को नोटिस दिया है। सिविल सर्जन ने 4 सफाई कर्मी को हटाया है और सुपरवाइजर को नोटिस थमाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला चिकित्सालय शिवपुरी में 9 दिसम्बर को पेट में दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती हुआ 40 वर्षीय देवीलाल शाक के पुत्र तेजाराम शाक के निवासी घोषीपुरा कमलागंज का शव 12 दिसंबर 2022 को सर्जरी विभाग के शौचालय में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। इसे कलेक्टर शिवपुरी ने संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। काम तो शुरू किया है पर बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारी टीमें लगानी पड़ेगी, खासतौर पर जो सिविल वर्क छोटे छोटे जो टूट फूट वाले काम होते हैं, तो उसमें काफ़ी काम चल रहा है। कार्य जो हो रहा है रूटीन है या सीएम साहब के दौरे के चलते? नहीं, बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं, पहले भी बता है, कई चीज़ें हुई भी है, पर ये सही है कि एक्चुअली हर वीवीआईपी विजिट में आप इन सारी चीज़ों को देखते ही हैं, पर केवल तभी देखते हैं, ऐसा नहीं। अब बीच बीच में काफ़ी बार, कई बार यूँ ही सरप्राइज और कई बार किसी कारण बताना होता है, मतलब कभी कोई पेशेंट को देखने आया तो इतना के लोगों प्रभावित लोगों को देखने आए, तो बहुत सारे चीज़ें देख के जाते हैं, बताते हैं, कई चीज़ें सुधरी हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बहुत सारी चीज़ें अभी भी करना बाकी। कल बड़ा मामला सामने आया अस्पताल में, 3 दिन से एक मरीज गायब था, उसकी लाश चाहिए बाथरूम में, और स्टाफ ने जानने की कोशिश नहीं करी कि मरीज छुट्टी लेकर गया है कहाँ गया। जब ये मामला सामने आया तो उसने अचानक एब्सेंट डाल दिए उसने, इस मामले में कुछ रिपोर्ट तलब किया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था के बारे में लोगों को काफ़ी हद तक संतोष है, आपने कोरोना पीरियड में भी महसूस किया होगा, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में तकलीफ लोगों को आती है, और इसलिए आज रिपोर्ट तलब की है। और ऐसा भी नहीं कि उनकी रिपोर्ट ही एकमात्र आधार रहेगा, समग्र रूप से उस पर विचार करेंगे और आवश्यकता होगी तो लोगों की कार्रवाई। 2 दिन पहले भी आपने निरीक्षण किया था, उसमें कुछ सुधार? हाँ, सुधार पाया, पर मैंने शुरू जैसा कि शुरू में बताया कि गति और बढ़ानी पड़ेगी, काम हुआ है पर बहुत बचा है, गति बढ़ा करके ही पूरा किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HDM24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।